दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में एक बार फिर से। और मेरे पास है दोस्तों यहाँ पर आज इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और आपको देखने में लगेगा कि इसमें 4 कैमरा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सेल्फी की, तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है जहाँ पर आप फुल HD प्लस वाली यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें कुछ बात कर लेते हैं और कुछ फीचर्स की। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूँ इसमें 6.62 इंच की एक आपको HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ में आपको मैंने बता दिया कि AI वाला 13 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको दोस्तों चलिए थोड़े सैंपल इसके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो ये वीडियो है ये यहाँ पर मैं फुल HD पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 30 FPS पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है फ्रंट में। इसमें जो मेन बात, इसमें आपको EIS फ्रंट में दिया गया है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे इसका कुछ रोल लगा नहीं है। और स्टेबल दोस्तों वीडियो बनेगी अगर आप यहाँ पर ज़्यादा मूव नहीं करते हो, अगर आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने फ़ोन को हिलाते हो तो उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं बनेगी। बाकी डायनेमिक रेंज दोस्तों उतनी खास नहीं है, थोड़ी वाइटिश वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें दोस्तों यहाँ पर बैक कैमरा की, तो 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है जिसमें आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। EIS दोस्तों यहाँ पर भी है। और बैक कैमरा में दोस्तों मुझे थोड़े बहुत कलर्स काफ़ी सही लगे, लेकिन आप देख सकते हैं कलर्स में दोस्तों पिंक कलर्स में थोड़ा ये यहाँ पर वाइटिश दिखा रहा है और दोस्तों ये ज़्यादा एक्सपोज़र होने के कारण है। बाकी दोस्तों डायनेमिक रेंज काफ़ी सही है। इसमें आपको 4K का सपोर्ट दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर स्लो मोशन आपको देखने को मिल जाएगी। सर दोस्तों बात करें यहाँ पर ह्यूमन शॉट की, तो ह्यूमन शॉट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो कलर्स वगैरह है उसमें दोस्तों आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, बस जो स्किन टोन है वो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वाइटिश आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये दोस्तों हर एक इन्फिनिक्स फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। ब्यूटी मोड अगर दोस्तों आप यूज़ करें तो काफ़ी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वाइटिश देखने को मिलेगा, जो कि आपके बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है। तो ब्यूटी मोड दोस्तों मेरे हिसाब से आप काम ना ही ले तो बेहतर रहेगा। डायनेमिक रेंज की दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो डायनेमिक रेंज ठीक कहूँगा दोस्तों अगर आप यहाँ पर HDR वगैरह ऑन इसमें कर लेते हो। बाकी उतनी अच्छी डायनेमिक रेंज मुझे लगी नहीं है। बाकी दोस्तों किसी भी चैनल पर अगर आपको इसका अच्छा रिव्यू देखने को मिले तो यार उतना अच्छा दोस्तों है नहीं है ये। तो इसके जितना इसका प्राइस है उस प्राइस पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पोर्ट्रेट में दोस्तों अगर हम बात करें, ब्लर वाले शॉट्स यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो डायनामिक रेंज दोस्तों इसमें भी ख़राब देखने को मिलेगी, ब्लर उतना अच्छा दोस्तों है नहीं है। बाकी दोस्तों ऑब्जेक्ट पे फोकस यहाँ पर मुझे ठीक लगा। बात करें सेल्फ़ी की, तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फ़ी से कुछ इस तरीके के शॉट आप निकाल सकते हो। कलर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगी ओरिजिनल कलर से, ओरिजिनल कलर यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी दोस्तों सेल्फ़ी में वाइटिश टोन आपको यहाँ पर हर एक में देखने को मिल जाएगी। आप पोर्ट्रेट लो, नॉर्मल शॉट लो, जो मर्जी करो वाइटिश शॉट दोस्तों देखने को मिलेंगे, ये इस फ़ोन में दिक्कत है। बाकी ये फ़ोन वैसे दोस्तों कैमरा के लिए है नहीं है। इसमें दोस्तों पोर्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ तो पोर्ट्रेट में आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना ज़्यादा बेकार यहाँ पर ब्लर हुआ है, पूरा वाइटिश हो चुका है पीछे। पता नहीं भाई इस कैमरे का कैसा यूटिलाइजेशन इनने की है। बाकी मेरे हिसाब से तो दोस्तों अगर आप इसे कैमरा के लिए लेना चाहते हैं तो मत ही ले तो बेहतर रहेगा। बाकी दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना, काफ़ी मेहनत लगती है कैमरा सैंपल्स यहाँ पर कलेक्ट करने में। बाकी नाइट में अगर आप फ़ोटो यहाँ पर लेते हो तो नाइट में भी ज़्यादा अच्छी मैं बोलूँगा कि नहीं आती है। बाकी आपको ठीक ठाक सा ही कैमरा इसमें देखने को मिलता है। ये यहाँ पर एक और शॉट आप देख सकते हैं, इसमें भी मुझे कुछ ज़्यादा खास दिखाई नहीं दिया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना।